राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील ब्लॉक जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगाज सच दिखाने का हम हैं आपकी आवाज। आज पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान अपनी अपनी विधानसभा के रेहटी तहसील में आभार यात्रा पर आए हैं, जहां ग्राम बरधा स्कूली छात्र छात्राओं से मिले और उनके साथ बातचीत की और खेल मैदान की मांगें जल्दी पूरी करने का आश्वासन भी बच्चों को दिया। खेरी बोरधी में उत्साह के साथ स्वागत किया गया। जब जनसभाएं के साथ ही कहा गया शासन चला गया तो क्या मैं हूँ, अपने सारे काम जरूरी पड़ी तो लड़कर भी पूरा करूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा और कहा कि बुधनी विधानसभा में तो अपनी ही सरकार चलेगी, आप लोग चिंता ना करें, कांग्रेस ने जो कहा है वो नहीं किया है। जाता हूं दिन और रात, ऐसी भीड़ उमड़ती हर जगह और वे कहते हैं मामा अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सही कर देंगे उनको, क्या दिक्कत है यहाँ तो अपनी। और अभी वो लिस्ट बनी खरगोन मरगोन में तो कोई का 50 का माप, कोई का 100 का माप। अब हमने तय कर दिया, देखो भैया ये चीजें नहीं चलेगी, 2 लाख सबका मतलब सबका चाहिए, बोलो तो 31 मार्च के पहले का बाद का ये नहीं चलेगा, बोलो 2 लाख सबके होने चाहिए कि नहीं। 100 रुपया कुंटल सोयाबीन के खजाने में भर के जाऊंगी चुनाव के पहले, धान 2500 खरीदो मक्का में 500 पैसा डालने पड़े, इसकी लड़ाई भी लड़ूंगा। और गरीबों की जो योजना है संबल 5 एकड़ तक के किसान जी साबित किए, सबके मकान बनना था मैं तो बनवा देता। बलराम सिसोदिया की रिपोर्ट पर समय जगत एक संदेश पूरा देश।